हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टेंस चेंज करना सीखा और प्रोनाउन को चेंज करना सीखा और किस तरीके से हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये रूल्स हमने सीखे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल रूल्स। जो रूल्स मैंने पहले बताए कि अगर बाहर पास्ट सिंपल टेंस होता है तो हम अंदर का जो टेंस होता है, बाहर का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं और अंदर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिपोर्टेड होता है उसका टेंस भी हम बदल देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि उनका टेंस नहीं बदलते हैं। कब नहीं बदलते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सच, जो भारत में भी सच है, अमेरिका में भी सच है, देश के किसी हिस्से में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी हिस्से में चले जाओ, जो बात हमेशा सच होती है उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। ओके बात। दूसरी बात, प्रोवर्ब जो होती है, कहावत जो होती है, हैं, तो उनका भी टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। मैथमेटिकल फैक्ट्स जो होते हैं, गणितीय गणनाएं जो होती है, गणित के जो सिद्धांत होते हैं, उनके भी टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, अपने ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं, जैसे भारत इतने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, यानी इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो ये एक क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसका भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। जो हैबिचुअल एक्ट होते हैं, हमारी रोजाना की आदत होती है, जैसे आई गो टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, दिस इज माय हैबिट, और ये मेरी हैबिट है कि मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तीसरी बात, मॉरेलिटी। मॉरेलिटी की जब हम बात करते हैं, नैतिक बातों की बात करते हैं, कोई भी शास्त्र का उपदेश, वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं उनका भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेट अस सी द सेंटेंसेस। आइए अपने सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड द सन सेट इन द सेट्स इन द वेस्ट, उसने कहा कि सूर्य जो है वो वेस्ट में सेट होता है, यानी वेस्ट में अस्त होता है। देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ही सेड दैट, तो लगाना ही लगाना, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, द सन सेट्स। अब यहाँ सेट की सेकंड फॉर्म नहीं बनाएंगे क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो सेट्स इन द वेस्ट ये सीधा ही बना देंगे, इसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो आपने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर दैट जोड़ा है और कुछ भी परिवर्तन आपने इसमें नहीं किया है। तो ये हमारा हुआ कि यूनिवर्सल ट्रुथ कोई भी हो उसके अंदर अपने टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मैन इज मॉर्टल, उसने कहा कि मानव अमर है। इसमें देखिए, ही सेड मैन इज मॉर्टल, ठीक है ना, ये लिखा हुआ, तो इसमें क्या करेंगे अपने, वही बात, ही सेड दैट, ही सेड दैट, वही मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य जो है वो नाशवान है, मॉर्टल मीन्स नाशवान, इमॉर्टल मीन्स अमर होता है, तो ध्यान देना मैन इज मॉर्टल। अब यहां देखिए, पास्ट सिंपल है, सेड पास्ट सिंपल लगा हुआ है ना, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस इज को, कई बच्चे क्या करेंगे, इस इज को वॉज में चेंज कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, इज का इज ही रहेगा, क्योंकि आपको टेंस चेंज नहीं करना है। अगर आपने टेंस चेंज कर दिया, इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो गया, और यही आरएएस के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कॉमन एरर्स की बात आती है ना, तो इस तरीके से एरर यहाँ वॉज दे दिया जाता है, तो वहाँ अपने को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर एरर है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने एरर कहाँ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर, अगला सेंटेंस हमारा है, द टीचर सेड, इस सेंटेंस में देखिए, द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, यानी टीचर ने कहा कि इंडिया जो है वो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसको, द टीचर सेड दैट, बस दैट जोड़ना है, इंडिया बिकेम
रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर देखिए आपका बीकेम लिखा हुआ है ना, अगर हम उस टेंस चेंज की बात करते तो क्या करते, बीकम को हेड बीकम में बदल देते, सेकंड फॉर्म थी उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते, लेकिन हमने क्या किया, टेंस चेंज नहीं किया, हमने क्या उसको बीकेम ही रखा। क्यों रखा, क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भारत 26 जनवरी 1950 को ही स्वतंत्र हुआ है। तो जब हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं, ऐतिहासिक तथ्य की बात करते हैं, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, टेंस बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो सेंटेंस आता था, सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर भी कई बच्चे क्या करेंगे, सी सेड टू मी, ठीक है ना, अब कोमा हटाइए, दैट, अब ऑनेस्टी, अब वॉज लगा देंगे कई बच्चे, जो कि गलत है, इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ ये आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो ये इज का हमने इज ही रखा है, इज का हमने इज ही रखा है, और यहाँ देखिए इसको दैट से हमने जोड़ दिया। क्यों, क्यों जोड़ा, क्योंकि ये मॉरेलिटी की बात कर रहा है, जब मॉरेलिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड 2 एंड 2 इज 4, उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। अब ये क्या है, गणित का एक तथ्य है, तो आपको क्या करेंगे, सी सेड दैट 2 एंड 2 इज 4। कई बच्चे इस इज को वॉज में बदलेंगे, इज को वॉज में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि बाहर वो देखेंगे कि यहां तो गुरुजी ने बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल होता तो अंदर वाला पास्ट हो जाता है, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये गणित की एक सच्ची बात है कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना? तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये गणितीय तथ्य है, फिर एक मैथमेटिकल थियोरी है, मैथमेटिकल का फैक्ट है, तो अपने इसको चेंज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ही सैड, उसने कहा लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, लंदन यूके की राजधानी है, उसने ये बोला। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ही सेड दैट, लंदन को लंदन लिखेंगे, इज ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सच्ची बात है और फैक्चुअल बात है कि लंदन जो है वो कैपिटल है यूके की, थी नहीं है भी, आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, तो ये दैट लगा दिया, ठीक है ना, और इज को इज में रखा, हालांकि सैड है, पास्ट सिंपल है, लेकिन इसको हमने चेंज नहीं किया, टेंस चेंज नहीं हुआ ना, जब टेंस चेंज नहीं होता तो ध्यान रखना है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस, ही सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब ये भी एक फैक्ट है, ठीक है ना, उसने बोला है ही सेड दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। ये करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इज का इज ही रखेंगे, क्योंकि अब ये फैक्चुअल बात है कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, तो इसलिए सैड को देख करके था नहीं है, इसका मतलब सैड को देख करके ऐसा नहीं है कि इसका टेंस चेंज कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपको इन फैक्ट्स की बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही सेड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उसने कहा कश्मीर जो है वो भारत के उत्तर में है, तो उत्तर में है, उत्तर में रहेगा, ये क्या है, ज्योग्राफिकल ट्रुथ है। तो इसमें भी ही सेड दैट कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफिकल ट्रुथ है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको दैट से तो जोड़ना ही जोड़ना है, टेंस आपको चेंज नहीं करना है, तो इज का इज ही रखना है, टेंस अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली,
यानी ये कह रहा है कि उसने मुझे बोला कि मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, ये क्या है? इसका हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्ट है, यानी एक आदतन कार्य है जो उसकी आदत है। ही सेड टू मी दैट। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि अगर सैड लिखा हुआ है तो अब प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन तो चेंज करेंगे ही करेंगे। आई लिखा है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, वही रूल SON 1 2 3 है, ही, दैट ही का ही आ जाएगा, दैट ही। और ये जो वर्ब है गो लिखा हुआ है, क्योंकि आई के साथ जो वर्ब लगती है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगती है, लेकिन यहां जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? गोज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गोज आ जाएगा। ही गोज आगे सेम आ जाएगा, और वॉक डेली। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी है, तो ध्यान देना हमने ये चेंज किया है, सिर्फ टेंस चेंज नहीं किया, हमने उसका प्रोनाउन चेंज किया और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज किया। तो फाइनाइट वर्ब जो होती है, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो क्या होती है? प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इसलिए जहां ही लगाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो SES वाली वर्ब लगेगी। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि टेंस चेंज नहीं करेंगे तो प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। ओके, राम सेड टू मी, अभी इस सेंटेंस में देखिए, राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अभी सेंटेंस में देखिए, राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, इसमें है राम, राम सेड टू जो लिखा है उसको किस में बदलेंगे? टोल्ड मी, वही टोल्ड मी दैट। अब वही सेंटेंस, राम टोल्ड मी दैट, आई लिखा है ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? पता है आपको आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। एक नंबर जो है एस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? राम से टोल्ड मी दैट ही के साथ गेट अप नहीं आएगा, गेट्स अप, क्योंकि आपको क्या करना है? ही गेट्स अप। आपको क्या करना है? प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है इन द मॉर्निंग डेली। हमने क्या किया? इसका टेंस तो चेंज नहीं किया, हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, हमने क्या किया? प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज की है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमें प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज कर देना है, टेंस सेम रखना है, क्योंकि ये उसकी हैबिचुअल एक्ट है, उसका हैबिचुअल एक्ट है। हैबिचुअल एक्ट का मतलब आदतन कार्य है उसका, और आदतन जो कार्य होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता। राधा सेड टू हर आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। राधा ने उसको कहा कि मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, इसका मतलब 10 बजे उसकी ड्यूटी है। दिस इज द हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन है तो क्या लिखेंगे? राधा टोल्ड, राधा टोल्ड हर दैट। अब सेड टू को तो टोल्ड में बदलना ही बदलना है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब आई लिखा है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राधा सब्जेक्ट है तो राधा के लिए अपने क्या लगाते हैं? सी, तो ये आ जाएगा दैट सी, और गो कीजिए क्या आ जाएगा? गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। तो ये यहां पर क्या किया? हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, हमने अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन जो वर्ब आती है वो हमने वहां पर लिख दी, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सी है उसके अकॉर्डिंग SES वाली वर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ऊपर वाला भी प्रेजेंट सिंपल है और नीचे वाला भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऐसा नहीं कि सैड को देख करके हमने इसका टेंस चेंज कर दिया, क्यों नहीं किया? क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन में टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सेंट सैड, संत ने कहा। अब संत ने क्या कहा? द सेंट सैड, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। अब इस ये क्या है? मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहावत है, द सेंट सैड, द सेंट सैड दैट। अब ये लिखेंगे, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये क्या प्रोवर्ब है, तो जो प्रोवर्ब होती है उसका टेंस भी चेंज नहीं होता। प्रोवर्ब कहते हैं कहावत को, इसका टेंस भी चेंज नहीं होता। हमने क्या किया? इसको दैट से जोड़ दिया सीधा, बस, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है?
द टीचर सेड, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी क्या है, एक प्रोवर्ब है, तो ये भी इसी तरीके से आएगा, द टीचर सेड दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये ऐसा कैसा ही आ जाएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इज को इज में ही रखेंगे, वॉज नहीं बनाएंगे, अगर वॉज बना दिया आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सैड को देख करके क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, सैड को देख करके इसको वॉज बनाएंगे कि गुरुजी ने कहा था कि पास्ट में बदलना, नहीं, गुरुजी ने ये बात भी कही थी कि अगर प्रोवर्ब है, मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल एक्ट है, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। द टीचर सेड स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, टीचर ने क्या कहा, स्टिच इन टाइम, ये भी प्रोवर्ब है। द टीचर सेड दैट, दैट लगाएंगे, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो ये बिल्कुल सेम का सेम लिख जाएगा, इसके अंदर इसको सेव्ड मत कर देना, सेव्स ही रहेगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सेव्ड करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों करेंगे, क्योंकि वो करेंगे कि गुरुजी ने कहा था कि बाहर अगर पास्ट सिंपल है तो टेंस चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, पास्ट बाहर है लेकिन अंदर क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, कहावत है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट रूल हमने इसका क्लियर किया, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, देखिए आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा। इंटर अब बात कर लेते हैं अपने, ये तो जितने भी सेंटेंस अपने किए, जितने भी अपने सेंटेंस किए, वो सेंटेंसेस जो थे वो इंटरोगेटिव थे, इंटर सॉरी असर्टिव थे, असर्टिव का मतलब सकारात्मक थे, कोई ना कोई यस की बात कर रहे थे, नो की बात वो नहीं कर रहे थे, ना कोई प्रश्नवाचक बात कर रहे थे। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, जो हमने रूल पहले बताए वो रूल अब नहीं लगेंगे, थोड़ा उनमें डिफरेंस आएगा, जैसे सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, इसको देखिए, इस सेंटेंस को अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, हमें वो ही तरीका, सी सैड टू लिखा है तो एक बात याद रखना है, सैड टू जो होता है पहले हम किसको किस में बदल देते थे, टोल्ड में बदलते थे, अब हम सैड टू को किस में बदलेंगे, आस्कड में बदलेंगे, याद रखना है, अब आस्कड में बदलेंगे, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन मार्क है, सी आस्कड मी, ओके, क्यों, अब देखिए यहां क्वेश्चन मार्क को देखना है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम यहां आस्कट लगाएंगे, बस ये ध्यान में रखना है, यहां क्या लगाएंगे, आस्कट लगाएंगे ना कि टोल्ड लगाएंगे, सी आस्कट में। अब इन्वर्टेड कोमा और कोमा को टक्कर के हम क्या लगाते थे, पहले हम दैट लगाते थे, दैट लगाते थे, अब दैट की जगह क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, तो आप यहां पर इफ लगा दो, ओके, ये बात समझ में आ गई, सी आस्कट मी इफ। अब यहां देखना है टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि टेंस क्यों चेंज करेंगे, टेंस इसलिए चेंज करेंगे कि बाहर सैड है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है, टेंस चेंज करेंगे, बाहर सैड है, पास्ट सिंपल टेंस है, बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस भी पास्ट होगा, तो वो क्या करेंगे, टेंस तो चेंज करेंगे, पर टेंस चेंज करने के साथ साथ आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, देखिए यहां ये यू जो है पहले यू पर ध्यान देंगे, आर तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम किस पर ध्यान देंगे, यू पर, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये मी जो है इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे, तो इफ मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, मी तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो इफ आई, अब आई के साथ देखिए यहां तो यू आर लगा हुआ है, अब पास्ट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूज में टेंस चेंज करेंगे, तो इफ आई वॉज, इज एम आर को किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में बदलते हैं, इफ आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, और यहां पर जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दिया, तो यहां क्या क्या चेंज हुआ, ध्यान देने वाली बात है,
पहली बात सैड टू को हमने आस्कड में बदला, पहला काम। दूसरा काम, हमने इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगाया। तीसरा काम, हमने आर यू की जगह, यानी आर यू जो था इसको हमने किस में बदला, आई वॉज में बदला, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है ना। और अगला हमने क्या किया, इसको हमने इन्वर्ट, जो क्वेश्चन मार्क था उसको हमने फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। तो ये इतने सारे परिवर्तन जब आप करेंगे, इतने सारे चेंज करेंगे, तब जाकर के ये कहीं बदलेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए। एक एक सेंटेंस लेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सी सेड टू श्याम, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। अब यहां देखिए इस सेंटेंस को देखिए, सी सेड टू श्याम, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। अब इसमें ये दिख रहा है ना, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे अपने सी सेड टू श्याम, सेड टू लगाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया सेड टू की जगह आस्कड लगाएंगे, सी आस्कड श्याम। अब वेदर लगा देंगे या इफ लगा देंगे, दैट की जगह, दैट की जगह हमने क्या लगाया, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ये भी हमने पहला काम क्या किया, आस्कड लगा दिया सेड टू की जगह। एक एक चीज को आप समझते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आस्कड वेदर, ये वेदर हमने यूज कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो यू है इसके ऊपर ध्यान देना, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना ही नहीं है, पहले यू पर ध्यान देना। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम एक लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है, वेदर ही। अब हैज हैव को आपको पता है किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है, तो यहां क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। इफ वेदर ही हैड एन, आपको पता है किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इधर उसको ही हैड में चेंज कर दिया, हैव यू जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, ही हैड में चेंज कर दिया। और क्या किया, हमने इन्वर्टेड कोमा की जगह वेदर लगा दिया। पहले हमने इफ लगाया था, इफ और वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, या आपको ये मना नहीं है कि ये क्यों लगाया, कुछ भी लगा सकते हैं। तो वेदर लगा दो चाहे इफ लगा दो, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये भी ध्यान में रखना, इतनी चीजें जब आप चेंज करोगे तब जाकर के कोई इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा। सी आस्कड श्याम वेदर ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो इस तरीके से आपको वेदर से चेंज करना है और इफ से चेंज करना। ओके, ये सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट। अब ये देखिए, एम आई लुकिंग स्मार्ट, इसको कैसे देखेंगे, वही ही आस्कड, ही आस्कड, सेड आया तो भी आस्कड, ठीक है ना, सेड टू आया तो भी आस्कड। अब क्या करेंगे, यहां लिखा है एम आई, इज एम आर को किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में बदलते हैं। अब आई पर ध्यान दीजिए, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है ना, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट ही है, तो क्या लगाएंगे, ही आस्कड ही नहीं, इफ ही। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को उठा करके इफ लगाना, ही वॉज लुकिंग स्मार्ट, हमने ही के साथ वॉज लगता है, आई के साथ वॉज लगता है। तो यहां पर क्योंकि टेंस चेंज हो रहा है, पास्ट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो रहा है, या अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये सीधी सी बात याद रखें कि इज है मारा जाए तो उसको वॉज वर्ब में चेंज करना है, हैज है आ जाए तो उसको हैड में चेंज करना है, डू डज आ जाए तो उसको डिड में चेंज करना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दिया। ये बातें एक एक ध्यान में रखेंगे तब जा करके कहीं आपका आंसर सही होगा। ही सेड टू मी, कैन यू राइट ए लेटर। अब यहां देखिए, ही सेड टू मी, अब सेड टू किस में बदलना है, आस्कड, ही आस्कड मी, बस ये ध्यान, ही आस्कड मी, अब सेड टू को किस में बदल दिया, आस्कड में बदल दिया, बदल दिया ना, सेड टू को आपने आस्कड में बदल दिया। और आपको क्या लगाना है यहां पर, इफ, अब
किस पर ध्यान दें, कैन तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरीज है, उस पर ध्यान नहीं देना, यू के ऊपर ध्यान देना है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इफ यू का क्या बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो इफ आई कैन का हो जाएगा कुड, कैन का कुड, आई के बाद में कुड लगेगा, इफ आई कुड राइट ए लेटर फुल स्टॉप। तो हमने क्या किया, कैन यू को आई कुड में चेंज किया है, क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपने ये कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, इसमें भी देखिए, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ये सेंटेंस है। अब देखिए, सी सेड टू मी तो कैसे बनाएंगे, सी आस्क्ड मी, अब यहां वेदर लगा दो, आपकी वो मर्जी आपकी है, वेदर लगाओ चाहे इफ लगाओ। ही आस्क्ड मी, ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि आगे वाला टेंस क्वेश्चन मार्क है, उसमें इंटरोगेटिव है। वेदर, अब यू विल, अभी विल यू लिखा है ना, विल यू लिखा है, यहां देखिए ध्यान से, जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, विल का क्या बन जाएगा, वुड। सी आस्क्ड मी वेदर आई वुड, वेदर आई वुड हेल्प, अब यहां देखिए जो मी है, मी क्या है, सब्जेक्ट है, मी फर्स्ट पर्सन है ना, मी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, आई वुड हेल्प, सी का क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव किस, हर होता है, तो सी आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हर, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चेंज करना है, यू मी के अकॉर्डिंग, मी सी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और इसका टेंस चेंज हुआ तो विल का वुड बन गया, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सारी बातें आप एक एक करके ध्यान में रखेंगे, तब जाकर के कहीं आपका आंसर सही होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आगे भी वो कहता है नो, नहीं, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है ना। अब इस टेंस को भी आप देखिए कैसे बनेंगे, तो सी आस्क्ड मी, यहां तक सोच रही है, इफ सी आस्क्ड मी, इफ, इफ लगा दिया, और यू कैन यू लिखा हुआ है ना, कैन यू, अब आपके सामने एक कैन यू लिखा है, तो अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू, मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह लगानी है, तो इफ आई कुड, आई कुड सॉल्व दिस, दिस की जगह क्या आ जाएगा, आपको पता है दिस की जगह दैट लगता है, दिस को अपने दैट में बदलते हैं, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, तो यह आ जाएगा दैट, इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, हो गया, इफ आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब ये कहता है आई सेड नो, अब ये जो को आई सेड, जो दूसरा सेड है ना, इसको किस में बदलेंगे, क्योंकि वो जवाब दे रहा है, तो इसको किस में बदलेंगे, आई रिप्लाइड, सेड को किस में बदलेंगे, आई रिप्लाइड में बदलेंगे, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, अब आई रिप्लाइड में तो बदल दिया, आई रिप्लाइड बदल दिया, अच्छा अगर आप कर सकते हो तो इन असर्टिव, नहीं कर सकते हो तो इन नेगेटिव, दो शब्द, एक तो ये जोड़ सकते हैं यहां, इन नेगेटिव ये शब्द जोड़ देते हैं, एक तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, मतलब मैंने नेगेटिव में जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता। दूसरा इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखते हैं, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है ना, आई आई रिप्लाइड, अभी आई रिप्लाइड लिख दिया, उसके बाद आई है तो आई में, तो आई में रखेंगे आई, अब कैन नॉट तो नहीं रख कर सकते अपने, कैन का क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, तो आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई रिप्लाइड आई कुड नॉट, तो
आई रिप्लाइड इन नेगेटिव करो तो भी ये क्वेश्चन सही है, और आई कुड नॉट करो तो भी ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। तो नो को सीधा नहीं छोड़ना है कि नो आ गया तो अपने क्या करें, आई सेड को आई रिप्लाइड में करेंगे और फिर आई कुड नॉट या इन नेगेटिव में बात करेंगे। अब आगे वाला उदाहरण आएगा उसके अंदर और देखिए, आप देखिए कैसे करते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो मी, आई सेड यस। देखिए ही सेड टू मी, सेड के मतलब आस्कड, ही आस्कड मी इफ, ही आस्कड मी इफ। अब यहां लिखा है डू यू नो मी, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको किस में बदलते हैं? पास्ट सिंपल में बदलता है, लेकिन पास्ट सिंपल में जब बदलते हैं तो इसको एसर्टिव में भी बदलना है, यानी कहने का मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, जब प्रश्नवाचक रहता है तभी क्या होता है, डू आता है। तो इसका मतलब डू यहां से हटेगा, यानी डू डज जो है वो यहां से हटेगा, तो इसको हटा देंगे। इफ यू का क्या बन जाएगा? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इफ आई क्या आ जाएगा? इफ आई, आई और डू को हटा देंगे और नो की सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? न्यू। इफ आई न्यू, इफ आई न्यू। अब मी को किस में चेंज करेंगे? मी जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है पता आपको? मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई न्यू हर, हर नहीं सॉरी, ही है तो हिम लिखेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, ऐसे इफ आई न्यू हिम। हमने क्या किया? डू को हटा करके ये जो नो फर्स्ट फॉर्म थी, वो जो नो फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है उसको हमने किस में चेंज किया? सेकेंड फॉर्म में चेंज किया है। नो जो आपको फर्स्ट फॉर्म में दिख रही है उसको हमने सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, इफ आई न्यू हिम। हो गया यहां तक? तो ये हो गया ये टेंस चेंज, यानी कि डू और डज जब हटाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये ध्यान में रखना है, डू डज को हटाना है। अगर डू डज से कोई वाक्य शुरू होता है तो डू डज को हटाना है, शर्त ये कि उसमें नोट नहीं होना चाहिए। नोट अगर वाक्य में है तो फिर डू डज नहीं हटेगा। नेक्स्ट सेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। आगे देखिए आई सेड लिखा है तो हम कहेंगे आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन असर्टिव। एक तो ये तरीका है, यस आता है तो इन असर्टिव। दूसरा तरीका क्या है? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया आई। अब यहां न्यू लिखा है ना, यहां न्यू लिखा है, न्यू कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो न्यू ना लिख करके आई डिड, यानी पास्ट वाला ही लिखेंगे। प्रेजेंट होता तो आई डू, पास्ट होता तो आई डिड, मैं जानता था, तो आई रिप्लाइड आई डिड। यस को किस में बदल देंगे? आई डिड में बदल देंगे या इन असर्टिव में बदल देंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन असर्टिव लिखते हो या आप आई डिड लिखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो ये रूल्स जो है आपको फॉलो करना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो ये सब सब रूल लगेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार के भी आते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, बिगनिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन ये आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए इनके उदाहरण भी देख लेते हैं अपने। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, ये सेंटेंस की है। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, वो बोला कि आप क्या चाहते हो। अब देखिए इसको, इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ही सेड, सेड टू लिखा है, सेड टू किस में बदलना है? आस्क्ड में, वो रूल सेम रहेगा। ही आस्क्ड हर, अब हम पहले क्या लगाते थे? इफ या वेदर लगाते थे। कब लगाते थे इफ या वेदर? जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था तो हम इफ या वेदर लगाते थे। जैसे इज एम आर से शुरू हो रहा था, वाज वर्ब से शुरू हो रहा था, हैज हैव हैड से शुरू हो रहा था,
वेदर लगा रहे थे, लेकिन अब तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, तो अपने कुछ नहीं लगाएंगे, वो डब्ल्यू एच वर्ड जो दिया है ना वो का वो लिख देंगे, यास्कड हर वट, आगे वट का वट आ जाएगा। अब यहां ध्यान देना है आपको डू यू, अब ये जो डू यू है इसको क्या करेंगे, इसकी इसकी कहानी जो है अलग है। डू यू, अगर डू के साथ नोट होता, अगर डू के साथ नोट होता तो हम क्या करते, डू को नहीं हटाते, लेकिन अब डू तो अकेला आया, नोट है ही नहीं, तो इसका मतलब डू हटेगा यहां से। व्हाट, अब यू जो है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, यू की जगह क्या आ जाएगा, सी, व्हाट सी वांटेड, क्यों, हर का क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, व्हाट सी वांटेड और फुल स्टॉप, तो ही आस्क्ड हर व्हाट सी वांटेड, ऐसे है, ठीक है ना, ये डू हट जाएगा, यू को सी में चेंज कर दिया, क्यों कर दिया, यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ओके, तो क्वेश्चन मार्क उसमें भी हटा देते, इसमें भी हटाएंगे, बस ये ध्यान देंगे। अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, इस सेंटेंस को देखिए, तो वही ही आस्क्ड मी, अब वाई का वाई रह जाएगा, अब वाई आर यू, अब याद रखना डू और डज दो ही हटाते हैं, डू और डज होते हैं ना उन्हीं को हटा जाता है, कब हटाया जाता है जो उनके साथ नोट नहीं होता है, अब आर यू लिखा है ना तो इज एम आर को तो आपको पता है किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई माई मी, तो सब्जेक्टिव केस में मी होता है, तो वाई आई वॉज हैप्पी, वाई आई वॉज हैप्पी, ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज हैप्पी, हो गया, तो हमने क्या किया, ये चेंज किया, वाई आई वॉज, इज एम आर को वॉज बन, वही रूल है, टेंस चेंज करने के सेम रूल लगेंगे जो हम चर्चा पहले कर चुके हैं। राम सेड टू हरी वेयर डू यू लिव, अब यहां देखिए डू अकेला आ रहा है तो डू हटेगा, हैं? तो क्या आएगा, राम आस्क्ड टू हरी, राम आस्क्ड टू हरी, अब वेयर का वेयर लगा देंगे क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, तो डू यू में तो डू हट जाएगा, ये जो डू यू लिखा है तो डू तो हट जाएगा, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हरी है, हरी के लिए क्या आता है, ही, लड़का है तो ही आएगा, लड़की होती तो ही आएगा, सी आएगा तो वेयर ही, अब लिव का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लिव्ड, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, पता है आपको, तो ये आ गया वेयर ही लिव्ड, हमने जो चेंज किया वो इतना ही किया, वेयर ही लिव्ड, डू को हटा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, अब इस सेंटेंस को देखिए, सी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, तो वही सी आस्कड हरी, सी आस्कड हरी, व्हेन का व्हेन आ जाएगा, अब विल यू, अब यहां पर ध्यान देना, विल यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हरी, ऑब्जेक्ट हरी है ना, तो हरी के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, तो व्हेन हरी नहीं लिखेंगे, हरी की जगह क्या लिखेंगे, ही, व्हेन ही वुड, विल का वुड जाएगा और कम, ही वुड कम और फुल स्टॉप, ध्यान देना है ये विल वुड होकर के यू सब्जेक्ट के बाद में आया है, पहले विल पहले था ना, तो ही वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड कम, और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि आपको इसको पहले लेके आना है, चेंज करके इसको चेंज करके बाद में लेके, चेंज करके पहले और बाद में लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो पहले थी उसको बाद में लेके जानी और सब्जेक्ट को पहले लेके आना है, इस तरीके से इसको एक्सचेंज कर देना है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता हु आर यू, अब ये इस सेंटेंस में देखिए कैसे बनाएंगे, राम आस्क्ड सीता हु का हु रहेगा, अब आर यू लिखा है तो आपको पता है कि इनको चेंज करके आपस में इनकी जगह भी बदलनी है, यू को चेंज करेंगे सीता के अकॉर्डिंग, सीता क्या है, लड़की, इसलिए सीता की जगह क्या आएगा, सी, हु सी, और इज एम आर का वॉज, राम आस्कर सीता हु सी वॉज, ठीक है ना, इस तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता सेड टू मोहन
हाउ मेनी कार्स हैव यू? अब इसमें देखिए, सीता सेड टू को आस्कड मोहन, सीता आस्कड मोहन, हाउ को हाउ और मैनी को मैनी, हाउ मैनी कार्स, ये तो इतना ये रह जाएगा। अब आपको चेंज क्या करना हैव यू, इसको चेंज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब इनका स्थान भी बदलना है और आपस में चेंज कर दिया। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। है मोहन के लिए क्या आएगा? ही, हाउ मैनी कार्स, ही और हैज का क्या आ जाएगा? हैड। तो हैव यू को किस में बदल दिया आपने? ही हैड और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि कैसे हम बदलते हैं इसको। आपको ना वेदर लगाना है, ना इफ लगाना है, ना दैट लगाना है, जो लिखा हुआ है उसी को ही दोबारा लिखना है। आई सेड टू श्याम, विच क्लास डू यू रीडिंग? अब ये देखिए, आई आस्क्ड श्याम, आई आस्क्ड श्याम, अब विच का विच ही रहेगा, क्लास का क्लास ही, विच क्लास। अब ये लिखा है डू यू, डू हटेगा क्योंकि डू के साथ नोट नहीं है, नोट होता तो हम इसको नहीं हटाते, डू हट जाएगा। और यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम, ऑब्जेक्ट श्याम है। श्याम के लिए क्या लगाएंगे आप? अगर यहां सीता होती तो सी लगाते, लेकिन श्याम के लिए आप लगाएंगे ही। विच क्लास ही, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, रीडिंग। विच क्लास ही रीडिंग, अब ये अटपटा दिखाई दे रहा है, रीड, रीड की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं रेड, बोलते हैं, ठीक है ना, ही रेडिंग, विच क्लास ही रेडिंग। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है। अब यहां कंफ्यूज मन हो तो मत होना कि ही रेडिंग लगाया हुआ है, कि ये ही के साथ रेडिंग है, तो रेड क्या है? सेकंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो रीड्स होता। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को लिए, और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। वो रीड इन कहेंगे, आप इसको फर्स्ट फॉर्म मान करके इसको गलत कर देंगे, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और कॉमन एरर्स करते समय आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल? ये देखिए, आई सेड टू द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? अब इसमें देखिए कैसे आएंगे, आई सेड टू को आस्क्ड द टीचर, आई आस्क्ड द टीचर। अब हाउ मेनी को हाउ मेनी में लिखेंगे, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स में लिखेंगे। अब आर देयर लिखा है ना, इनकी जगह बदलेंगे, चेंज करेंगे, हैं? तो कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर, आर देयर नहीं, देयर वर, इसे मार को वर में बदलते हैं, तो इन द स्कूल और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये जो आर देयर था उसको हमने देयर वर में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए ये करना पड़ता है। कर लो कैसे? तो इस तरीके से आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान में देखते हुए, ध्यान से देखते हुए इसका चेंज करना है। ही सेड टू मी विच टीम वन द मैच? अब इसमें देखिए, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है ना, विच टीम का विच टीम ही रहेगा, विच टीम, वन लिखा है यहां पर, यहां देखिए वन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म को किस में बदलते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड वन, विच टीम हैड वन द मैच, यहां फुल स्टॉप लगाएंगे, विच टीम हैड वन द मैच, ठीक है ना। तो यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में अपने बदलते हैं, तो फुल स्टॉप लगाते हैं, विच टीम हैड वन द मैच। कर लो कैसे? इस तरीके से आपको करना है कि सेंटेंस बदल जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा, ही सेड टू मी व्हाट इज यू प्लानिंग, नहीं व्हाट आर यू प्लानिंग है ये, सॉरी ये आर यू प्लानिंग है, व्हाट आर यू प्लानिंग। अब इसमें देखिए, ही आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट रहेगा। अब ये जो आर यू है, इसे मार को किसमें बदलते हैं? वाज वर्ब में बदलते हैं, आपको पता ही है। तो इनको आपस में चेंज करके इनकी जगह भी बदलनी है, तो यू की जगह बदलेंगे, यू को किसमें बदलेंगे? आई के, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यू का क्या बन जाएगा? आई, यू का क्या बन जाएगा? आई। तो व्हाट आई वॉज प्लानिंग, और तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चाहे यस नो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, उनको
हमें एक्सचेंज करना है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो उसके, और आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।